हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातेश्वर चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं या गर्भवती हैं या प्रेगनेंसी के पहले कुछ महीनों में क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या साइंस होते हैं। सिम्टम्स होता है जो आप खुद महसूस करते हैं, और साइंस जो होता है वो आपके बॉडी में जो चेंजेज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो पहला सिम्टम है मिस्ड पीरियड, यानी आपकी मासिक की पहली तारीख जो पिछले महीने थी उस पर नहीं आएगी। और यदि आपकी मेंसेस रेगुलर हैं, यानी 28 से 30 दिनों तक का रहता है, तो आप अपने पीरियड मिस होने पर 3 दिन के बाद भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रेगुलर है तो 3 to 4 days में पॉजिटिव आएगा, नहीं तो आप 1 हफ्ते का वेट कर सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है तो आपके प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो दूसरी जो लक्षण है वो है मॉर्निंग सिकनेस। 50% गर्भवती महिलाएँ जो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और जिनकी प्रेगनेंसी पहली बार है, उनमें मॉर्निंग सिकनेस तो होता ही है। और ये सिम्टम्स आपको 4 से 7 हफ्ते के आखिरी मासिक जो आपकी आई है उसके बाद शुरू होता है। और सुबह उठने के बाद आपको उल्टी जैसा महसूस होता है या उल्टी भी होती है। मैंने प्रेगनेंसी में उल्टी कब तक होती है, उल्टी क्यों होती है, उल्टी रोकने के क्या उपाय हैं, मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो तीसरा लक्षण है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कुछ गर्भवती महिलाओं को भूख लगता है लेकिन कम भूख लगता है, मतलब खाने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है फैटी, यानी आपको हमेशा सुस्ती जैसा लगेगा और हमेशा थकान सी महसूस होगा। ये सभी महिलाओं को नहीं होता है, लेकिन कुछ गर्भवती महिलाओं को ये सिम्टम्स हो सकते हैं। फिफ्थ सिम्टम है फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन, यानी कि पेशाब बार बार आना। यह आपको पहले 3 महीने तक जो है किस गर्भवती महिला को पेशाब बार बार आने की शिकायत होती है, और आपको पानी पीने की भी इच्छा ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में तो ऑस्मोरेगुलेशन सेंटर को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ शुरुआती लक्षण सिम्टम्स जो आपको महसूस होंगे। अब मैं साइंस ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर लेती हूँ। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी पहली बार है तो आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, आप उसको बदलाव को महसूस कर सकती हैं। आपका जो डार्क एरियोला पोर्शन है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा और उसमें आपको भारीपन महसूस होगा और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और चुभन सी महसूस होगी। अगला सिम्टम्स है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यह सभी गर्भवती महिलाओं में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ गर्भवती महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। यह क्या होता है, पीरियड के डेट पे या पीरियड के जो ड्यू डेट है आपके उसके कुछ दिन पहले आपको थोड़ी सी ब्लड स्पॉटिंग होगी, जो कि पीरियड से गर्भवती महिलाएँ कन्फ्यूज आती हैं। लेकिन ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है, ये इसकी मात्रा क्या होती है, स्कैंटी होती है, आपको कम पैड यूज़ होंगे और ये 1 या 2 दिन के लिए या रहता है। और पीरियड क्या होता है आपका, 3 to 7 days के लिए होता है। तो ये थे कुछ शुरुआती लक्षण जो गर्भवती महिलाओं को महसूस होते हैं। हर गर्भवती महिला को हर सिम्टम्स महसूस हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी पहली बार होती है या जो पहली बार माँ बनी है उनको इनमें से कुछ सिम्टम्स तो अवश्य ही महसूस होता है। और यदि आपका पीरियड मिस हो गया है या पीरियड बार बार मिस होता है, 1 हफ्ते चढ़ जाता है और आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है, तो मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊँगी कि मिस पीरियड है लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है तो क्या आप प्रेगनेंट हैं और उसके क्या क्या कारण होते हैं। उसमें बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको मैं देना चाहती थी और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है।
और अगर आप प्रेगनेंसी में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड द प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन. थैंक यू. बाय बाय. स्टे हेल्दी.